अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फातिमा, क्या हाल है बेटे? आप लोगों को उस दिन हमने सबक पढ़ा था, नामदेव माली का स्टार्ट किया था हमने, तो उसमें उन्होंने बताया था कि मुसन्निफ जो है, मुसन्निफ है वो राबिया दौरानी में और मकबरा औरंगाबाद के अंदर वहां उनकी ड्यूटी थी, तो वहां उस बाग में एक माली था जिसका नाम नामदेव था। नामदेव माली जो था वो निचली जात का एक माली था, और उसकी निगरानी जो थी, बाग की निगरानी का काम जो था वो मुसन्निफ के सुपुर्द था, और मुसन्निफ का जो कमरा था वो भी बाग में ही, उसका घर भी उसकी बाग में था, और कमरे की खिड़की जो थी बाग में खुलती थी। और मुसन्निफ कहते हैं कि मैं उसको जब काम करते देखता हूँ नामदेव को, तो वो हर वक्त उसको मैं अपने काम में मसरूफ पाता, और कई दफा उसकी हरकतें देखकर मुझे बड़ा अजीब महसूस होता कि वो ऐसे करता उनसे बातें जैसे कि वो किसी बच्चे से बातें कर रहा हो, किसी जानदार से बातें कर रहा हो। और उसको जब कोई पौधा लगाता तो उसको ऐसे मुड़ मुड़ कर देखता कि जैसे कि उसकी सफाई में, उसके हर चीज को, ये फल रहा है, फल फूल रहा है, तो उसके हिसाब से उसका ध्यान रखता। और मुसन्निफ का ख्याल है कि काम वो ही अच्छा होता है जिस काम में इंसान को मजा या लज्जत आने लगे। अब मुसन्निफ को भी उसके काम में दिलचस्पी होने लगी थी, और वो भी कहते हैं कि मैं अपना काम छोड़कर बाज़ोकात उसे देखा करता था, लेकिन उसे इस चीज की कोई खबर ना होती थी, और वो समझता कि ये मैं, जैसे वो अपनी पूरी तवज्जो से अपने पौधों को देखता और अपनी औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता, और उनको सरसब्ज और शादाब देखकर ऐसे ही खुश होता जैसे कि कोई शख्स अपनी औलाद को देखकर, बढ़ते फलते फूलते देखकर होता है। इसी तरह वो उनकी करता, और वो खुशी की लहर उसके ऊपर दौड़ जाती। और जब भी कोई बाग में किसी पौधे को अगर इत्तफाक से कोई बीमारी लग जाती या कोई कीड़ा लग जाता, तो वो उसकी ऐसे देखभाल करता है जैसे किसी बीमार बच्चे की देखभाल की जाती है, और उसका उसके हजार जतन करता, उसकी हजार कोशिशें करता कि इसको किसी ना किसी तरह इसको बचा ले। जब तक वो पौधा ठीक ना हो जाता, वो उसको चैन ना आता, वो सुकून ना पाता। और इसी इसके जो हाथ से लगाए हुए पौधे थे वो हमेशा बढ़ते और फलते फूलते रहे, और कोई भी पेड़ जो था वो कभी जाया ना हुआ। चले फातिमा आगे पढ़े। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। फातिमा आप पढ़े बेटा। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। खास से बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग की में से जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत और गौर से इनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला ले जाते। बिना तामुल जला जाता, मुफ्त इलाज करता, और कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। वो खुद भी साफ सुथरा रहता था, और ऐसा ही अपने चमन को भी रखता, इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पर पड़ा रहे। रविशे होती है रास्ते, बाग के अंदर जो खुले रास्ते होते हैं जिन पर चलते हैं इंसान पैदल, उसको रविशे कहते हैं। रविशे बकायदा था, वाले दरुस्त सिंचाई और शाखों की काट छांट वक्त पर झाड़ना बुहारना सुबह शाम रोजाना, और सारे चमन को आईना बना रखा था। बाग के दरोगा अब्दुल रहीम हाँ फैंसी, जो खुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद शख्स हैं और दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं, अक्सर मालियों को डांट डपट करनी पड़ती है, वरना जरा भी निगरानी में ढील हो जाए, हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए या बेटी पीने लगे या साये में जा लेते। आमतौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर वाकई होता है। आराम तल भी हमें कुछ मौरूसी हो गई है, लेकिन नामदेव को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ना आई। वो दुनिया माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह। एक साल बारिश बहुत कम हुई। चले आगे, इल्सा आप पढ़े आगे बेटा। इल्सा आप पढ़े बेटा।
दानियाल आप पढ़े बेटा। दानियाल रीडिंग करें आगे से। एक साल बारिश बहुत कम हुई। और माइक अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा। दानियाल एंड हारून प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। अपने कैमराज ऑन करें और दानियाल प्लीज रीड करें। दानियाल हारून अपने कैमराज ऑन करें बेटा और इसको दानियाल रीडिंग करें। दानियाल रीडिंग करें बेटा। सुन नहीं रहे आप? हारून आप सुन रहे हैं बेटे? चले आप पढ़ लें। हारून Boys, why are you not listening and not responding to me? Please, cameras on कीजिए। इल्सा आप पढ़ सकती हैं तो पढ़ें। एक साल बहुत कम बारिश हुई। इल्सा बेटे पढ़े ना। इल्सा आर यू लिसनिंग? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। अब इसमें वो उसी तरह बता रहे हैं कि बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों और पौधों की पहचान हो गई थी, शनाख्त हो गई थी, पहचान हो गई थी। खास तौर पर बच्चों के इलाज में वो बहुत महारत रखता था। उसको बहुत उसके क्योंकि जड़ी बूटियों की पहचान थी और वो उन जड़ी बूटियों से ही उन बच्चों का इलाज किया करता था। और छोटी मोटी जो बीमारी होती उसका इलाज करने के लिए वो बाग में ही से थोड़े से पौधे लेता और उनको जाके बच्चों को खिलाता और इलाज कर लेता। और इसकी ये शोहरत सुनकर इर्द गिर्द के गाँव वाले, दूर दूर के गाँव वाले भी जो थे उसे बुला कर ले जाते थे और वो बिला तामल चला जाता। बिला तामल बगैर सोचे समझे फौरन, यानी कि फौरन निकल जाता और मुफ्त इलाज करता और किससे कोई पैसा ना लेता था। वो खुद भी साफ सुथरा रहता और ऐसा ही अपने चमन को या बाग को साफ रखता था और इस कदर साफ जैसे कि रसोई का चौका। रसोई का चौका हिंदू कहते हैं अपने बावर्ची खाने को। तो रसोई बावर्ची खाने को कहते हैं चौका जहाँ खाना वाना पकता है। यानी कि जिस तरह बावर्ची खाना इतना साफ सुथरा हो उसी तरह वो अपने बाग को भी साफ सुथरा रखता। किसी जगह भी उसे घास फूस या कंकर पत्थर पड़े नजर ना आते थे। और उसके रास्ते बागों में जो रविशें होती थी वो भी साफ सुथरी थी और जहाँ पौधे लगे होते थे उनके थामले, उनके घेरे जो बने होते थे वो भी साफ सुथरे। और दरख्तों की पानी देना और शाखों को दरख्तों की कांट छांट बड़े वक्त पर करता था। झाड़ना बुहारना का मतलब होता है उनको साफ सुथरा करना। कोई मुर्दा पत्ता लगा हो उसको उतार देना, कोई मुर्दा टहनी हो उसे उतार देना, साफ कर देना। सुबह शाम रोजाना वो बाग में अपनी मेहनत से काम करता। गर्ज उसने सारे बाग को, सारे चमन को आईना बना रखा था। आईना से मुराद होता है कि साफ सुथरा बना रखा था। बाग के दारोगा अब्दुल रहीम फैंसी, दारोगा होते हैं गार्ड, बाग के जो देखने वाले थे, देखभाल करने वाले थे, अब्दुल रहमान खान फैंसी थे। वो खुद भी बड़े कारगुजार और मुस्तैद शख्स हैं। मुस्तैद होता है कि बड़े तेज तरार और बड़े चाको चौबंद थे। वो दूसरों से भी खींच तान कर काम लेते हैं। अक्सर मालियों को डांट डिपट पड़ती करनी पड़ती है वरना जरा भी निगरानी में ढील हुई तो ये माली क्या करते हैं, हाथों पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं या फिर बीड़ी पीने लगते हैं या साय में बैठ जाते हैं। मसलन हम जब किसी से भी कोई काम करवाएं तो वो मालिक अगर सर पे ना हो तो वो अपना काम छोड़कर अपने कोई सिगरेट पीने लग गए, बीड़ी पीने लग गए या कहीं फारिग बैठ कर बातें करने लग गए। इसी को कहते हैं कि आमतौर पर इंसान फितरतन और काम चोर काहिल वाक्या हुआ है। आराम तलबी कुछ इस कदर मौरूसी हो गई है। लेकिन क्या था कि नामदेव को इस चीज की कोई कभी इसको कहने सुनने की कोई नौबत ना आई थी। वो दुनिया माफिया से, दुनिया जहान से बेखबर
अपने काम में लगा रहता है, ना उसे किसी तारीफ की तमन्ना थी, ना कोई उसको सिले की परवाह थी। वो अपनी लगन से, अपनी मोहब्बत से उन पौधों की सींच करता, उनको सींचता, उनकी देखभाल करता। दानियल, आर यू लिसनिंग नाउ? प्लीज रीड नेक्स्ट। कैमरा ऑन करें और रीडिंग करें आगे बेटे। दानियल, कैमरा ऑन कीजिए और रीडिंग करें आगे से। दानियल, प्लीज आंसर मी। एक साल बारिशें बहुत कम हुई, जिस तरह बारिशें होती हैं सीजन में, तो वो उस साल एक साल बहुत कम बारिशें हुई और बारिशों में पौधे जो थे बागों के सूखने लग गए। कुओं और बावलियों में पानी कम रह गया। बावलियां जो होती हैं वो भी कुएं की सूरत ही होती है, जो कि सीढ़ियां उतर कर जाकर नीचे से उसका पानी लिया जाता है, उनको बावलियां कहते हैं। उनमें पानी बराए नाम रह गया था, यानी कि बहुत कम रह गया था। बाग पर आफत टूट पड़ी, बहुत से पौधे और पेड़ तलफ हो गए, जाया हो गए। जो बच रहे वो ऐसे निढाल और मुरझाए हुए कि जैसे दिक के बीमार। दिक होता है तप, दिक जिसमें कोई जान ना हो और बीमारी का बिल्कुल हो। जी दानियल, आप सुन रहे हैं? सुनाएं, आप रीडिंग करें, कैमरा ऑन करें और शुरू करें रीडिंग आगे से। लेकिन नामदेव का जो बाग था वो हरा भरा था। वो क्या करता था इसको सरसब्ज रखने के लिए, वो दूर दूर से पानी का कोई एक घड़ा भर कर लाता और पौधों को पानी देता। यानी कि उसको पता चलता कहीं से भी पानी मिलता है, वो जाकर सर पर उठाकर घड़ा ले आता और लाकर पौधों को पानी देता और उनको सींचता। ये वो वक्त था कि कहत ने लोगों के औसान खता कर रखे थे। कहत होता है जिस साल बारिशें कम हो, पौधे और फसलें कम हो और उसमें जो जमीन खुश्क हो जाती है और पानी कुओं में भी नहीं रहता, हर जगह नहीं रहता, तो जमीन को पानी देने के लिए बहुत मुश्किल से मेहनत करनी पड़ती है और उसमें पौधे अक्सर खुश्क हो जाते हैं और कहत साली का दौरा हो जाता है और कोई फसल नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को भूखे मरना पड़ता है। अब कहत की वजह से उन्हें पानी बड़ी मुश्किल से मुयस्सर आता था, मगर ये खुदा का बंदा यानी कि जो नामदेव माली था, ये कहीं ना कहीं से पानी ले ही आता और अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत और बढ़ी, कमी और बढ़ी, तो उसने रातों को भी उठ उठ कर पानी लाकर और सर पर उठा उठा कर ढो ढो कर लाना शुरू किया। और वो पानी क्या होता था? पानी जो था ऐसा था कि जैसे आधा कीचड़ और आधा पानी, यानी कि साफ पानी भी नहीं मिलता था, आधा पानी और आधी कीचड़ होती थी। कहीं नीचे से जाके वो गदला पानी उठा लाता, लेकिन यही गदला पानी जो था वो पौधों के लिए आबे हयात था। आबे हयात क्या होता है? कि जिंदा रहने के लिए वो पानी था, पौधों को जिंदा रखने के लिए वो एक आबे हयात की सूरत रखता था। मैंने उस बेमिसल कारगुजारी पर, उसकी इस मेहनत पर, मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने उसके इस मेहनत वाले काम पर उसे कुछ इनाम देना चाहा, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। शायद उसका कहना ठीक था कि अपने बच्चों को पालने पोसने का भी कोई इनाम होता है, यानी कि उसका ख्याल था कि ये बच्चे हैं उसके, तो मैं इन बच्चों की परवरिश का, इनकी पाल पोसने का कोई मैं इम्तिहान कोई इनाम लूं। इसने कहा कि कोई कैसी ही तंगी हो, कैसे ही बुरे हालात हो, अपने औलाद की परवरिश तो करनी पड़ती है। जब आला हजरत हजूर निजाम को औरंगाबाद की खुशगवार आबो हवा में बाग लगाने का ख्याल हुआ, तो ये काम डॉक्टर सैयद सराजुल हसन, नवाब सराज यार जंग बहादुर नाजम तालीमात को तफवीज हुआ। अब औरंगाबाद की खुशगवार आबो हवा में एक और बाग लगाने का ख्याल हुआ, तो ये काम किसके सुपुर्द हुआ? डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन को, जो के नाजमे तालीमात थे, उनके स्पुर्द हुआ। अब डॉक्टर साहब का जो जौके बागबानी था वो बहुत मशहूर था। जौके बागबानी बाग को ठीक रखने का, बाग की ध्यान रखने का, बाग को
फलने फूलने का जो शौक था वो उनका बहुत मशहूर था। मकबरा राबिया दुरानी और उसके बाग जो अपनी तरतीबो तामीर के एतबार से मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना है, मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था। अब मकबरा राबिया दुरानी और उसके बाग जो थे करीब करीब वो मुगलिया दौर के बाग थे जिनकी देखभाल ना की जाती थी और माली जो थे वो उसकी कोई उसकी कांट छांट ना करते थे। तो जब किसी भी बाग की हिफाजत ना की जाए, माली जो है उनकी हिफाजत ना करें, तो क्या होता है कि वो बाग जंगल जंगल की तरह उग जाता है और खराब होना शुरू हो जाता है। और वो यही कह रहा था कि उस बाग की जो थी वो मुगलिया बाग का बेहतरीन नमूना था लेकिन मुद्दत से वीरान और सुनसान पड़ा था, वहशी जानवरों का मस्कन था। मस्कन होता है घर था, उन्होंने अपने घर बना लिए थे और झाड़ झंकार से अटा पड़ा। झाड़ झंकार होती है वही जो पौधे अपनी मर्जी से बड़े बढ़ते रहते हैं और कोई इधर को टहनी निकली है कोई उधर को, और कांटे झाड़ियां सब कुछ उनकी सफाई सुथराई बाग की ना की जाए तो वो अपनी मर्जी से कई पौधे उगाते हैं जो कि वो उसको कहेंगे कि झाड़ झंकार की सूरत में वो भरा पड़ा था। आज डॉक्टर साहब की बदौलत सरसब्जो शादाब और आबाद नजर आता है। अब दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं और सैर और तफरी से महजूज होते हैं खुश होते हैं। डॉक्टर साहब को आदमी परखने में भी कमाल हासिल था। वो नामदेव के बड़े कदरदान थे, उसे मकबरे से शाही बाग में ले गए, यानी कि मकबरा राबिया दौरानी जो इतना खूबसूरत था उसको देखकर उनको आदमी को पहचान हो गई थी, उनको पहचान थी कि भाई ये शख्स जो है ये बहुत ध्यान से काम करता है। तो वो क्या किया उन्होंने, उन्होंने नामदेव को जान लिया और उसे वहां से शाही बाग ले गए। शाही बाग आखिर शाही बाग था, कई कई निगराने कार और बीसियों माली, और माली भी कैसे, यानी कि वाकई शाही बाग था कि उसमें बहुत से माली थे। और कहाँ कहाँ से माली थे, कहीं किसी दूसरे मुल्क से, टोक्यो से जापानी, तेहरान से ईरानी और शाम से शामी थे, यानी कि हर मुल्क के माली थे। उनके बड़े ठाट थे, वो बड़े रोबदाब वाले थे। ये डॉक्टर साहब की उपज थी, उपज का मतलब होता है निराली या अनोखी कोई उनकी बात थी। वो शाही बाग को हकीकत में शाही बाग बनाना चाहते थे। यहाँ भी नामदेव का वही रंग था। अब जब वो शाही बाग में जब जाता है नामदेव तो उसका वही रंग था, उसने फन्ने बागबानी के लोग जो हैं ये जो बाहर से जो माली वगैरह आए हुए थे तो ये तो फन्ने बागबानी के माहिर थे, वो उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली हुई थी, वो उसके हिफाजत का और कैसे उन्होंने रखना होता था उसका ध्यान रखते थे। लेकिन नामदेव माली ने बागबानी की कहीं से तालीम हासिल नहीं की थी और ना ही उसके पास कोई बाग बानी का कोई सनद या डिप्लोमा था, क्योंकि बाग के जो काम का तरीका कार होता है इसकी बाकायदा क्लासेस होती हैं और बाकायदा वो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसके बाद उसकी सनद या डिप्लोमा कोई दिया जाता है। लेकिन माली उसके पास, नामदेव के पास कोई सनद या डिप्लोमा नहीं था। अलबत्ता उसमें काम की धुन थी, वो काम बड़ी लगन से करता था, शौक से करता था, काम से सच्चा लगाव था और इसी में उसकी जीत थी। शाही बाग में भी उसका काम महाकाज रहा, महाकाज रहा, सब कामों से, सब मालियों से ऊपर रहा, बहुत ऊपर काम करता रहा, ध्यान से करता रहा। अब दूसरे जो वहां माली थे वो आपस में लड़ते झगड़ते शराब पीते, यानी कि वो जो मालियों का होता है हल्का सींधी शराब पीते, ये ना किसी से लड़ता ना झगड़ता ना ही ऐसी कोई सींधी शराब पीता, यहाँ तक के कभी उसने बीड़ी भी ना पी। बीड़ी होती है सिगरेट की एक शक्ल की होती है जो कि पत्ते में तंबाकू को लपेट कर, खुश्क पत्ते में लपेट कर उसको पिया जाता है, तो वो उसको बीड़ी कहते हैं। बस उसका ये काम था और यही उसके उसको आता था, वो यही काम था कि वो तवज्जो से अपने बाग की हिफाजत में जुटा रहता। अब एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की यूरिश हुई, यूरिश होती है हमला हुआ, उन्होंने हमला कर दिया बाग में। अब जब बाग में मक्खियों ने हमला किया है तो माली तो थे ना, वो फौरन अपने भागकर छुप छुप गए, लेकिन नामदेव जो था अपने काम में इस कदर मगन था उसे नहीं पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसे वो अपने काम में जुटा रहा लगा रहा, उसने नहीं देखा कि इर्द-गिर्द के माली भागकर छुप गए, वो मगन रहा अपने काम में। अब उसे क्या मालूम था कि कजा उसके सर पर खेली, कजा होती है मौत, मौत उसके सर पर है। मक्खियों के गजबनाक झल्लड़ जो था उस पर टूट पड़ा, यानी कि
पूरा मक्खियां जब एक इंसान को चिमट जाए तो वो फिर उसको काट काट कर बेदम कर देती है, खत्म कर देती है, और इतना काटा कि वो बेदम हो गया। आखिर इसी में उसने जान दे दी। अब वो अपने काम की वजह से ही, अपने काम में मगन होने की वजह से उसको इस चीज की खबर ही ना हुई कि मक्खियों ने बाग में हमला कर दिया, तो वो भी भागकर अपनी जान बचा लेता। लेकिन वो काम की अपने मसरूफियत की वजह से उसका ध्यान इतना काम में था कि वो उसको इस चीज की खबर ही ना हुई कि जी लोग सारे छुप गए और मैं भी अपनी जान बचा लूं। लेकिन मक्खियां जो थी उसको चिमट गई और उसको इतना काटा कि उसकी इसी में जान चली गई। अब मुसनिफ उसके बारे में बताते हैं कि वो बहुत सादा मिजाज था, भोला भाला था और मुनकसिरल मिजाज था। मुनकसिर मिजाज होता है कि बड़े इनकसारी वाला था, किसी से कोई बेजा जो थी वो फरमाइशें नहीं करता था, और जो जिसमें राजी रहता उसी में खुश रहता। उसके चेहरे पर बशाशत और लबों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। छोटे बड़े हर एक से झुक कर मिलता। गरीब था, तनख्वाह भी कम थी, इस पर भी अपने गरीब भाइयों की बिसात से बढ़कर मदद करता था। यानी कि बिसात से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से बढ़कर गरीब भाइयों की मदद करता था। उसको अपने काम से इश्क था, बहुत मोहब्बत थी, और आखिरकार काम से मोहब्बत करते करते ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। गर्मी हो या सर्दी, जाड़ा को कहते हैं सर्दी, धूप हो या साया, वो दिन रात बराबर काम करता रहा। उसे कभी भी ये ख्याल ना आया कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है। इसीलिए उसे अपने काम पर फख्र या गरूर ना था। यानी कि इंसान को जब पता चल जाता है कि भाई मेरा काम सबसे बेहतर है, मेरा काम सबसे बढ़कर है, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा गरूर और थोड़ा सा फख्र आ जाता है, और फिर वो इस चीज में बड़ा अपने आप को समझता है कि मैं बहुत सबसे बढ़कर हूँ। लेकिन उसे इस चीज की कोई ना उसका था, उसको इसका ख्याल था कि मैं अपने काम में बहुत माहिर हूँ, ना उसे इस चीज का कोई गरूर था। वो ये बातें जानता ही ना था। उसे किसी से ना कोई दुश्मनी थी, बैर होता है दुश्मनी थी, ना जलापा, जलापा होता है हसद करना। उसे ना किसी से हसद था और ना ही उसे किसी से दुश्मनी थी। वो सबको अच्छा समझता था और सबसे मोहब्बत करता था। वो गरीबों की मदद करता, वक्त पर अपना काम करता, आदमियों, जानवरों, पौधों की खिदमत करता, लेकिन उसे ये कभी एहसास ना हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। अब जब कोई इंसान ऐसा काम करता है तो उसको दिल में ख्याल आ जाता है कि ये मैं नेकी कर रहा हूँ, लेकिन उसने कभी इस चीज का ख्याल नहीं किया। उसने कहा कि ये मैं मेरे, उसको अपने काम से लगन थी, मोहब्बत थी, वो अपने काम को मोहब्बत और लगन से करता था। उसे कभी भी ये एहसास ना हुआ कि वो कोई नेक काम कर रहा है। और नेकी वाकई उस वक्त तक ही नेकी रहती है जब तक आदमी को ये मालूम ना हो कि वो नेक काम कर रहा है। जहां उसने समझना शुरू कर दिया तो वो नेकी नेकी नहीं रहती। यानी कि इंसान जब नेकी करते करते इस चीज को समझ ले कि मैं बड़ा नेक काम कर रहा हूँ, तो वो नेकी नहीं रह जाती, वो फिर क्या हो जाता है, दिखावा हो जाता है। इसलिए वो इस चीज से बिल्कुल ही लाइलम था कि मेरा काम बहुत बेहतर है। यानी कि वो उसको समझता ही नहीं था, वो समझता था कि ये मेरा काम है, मैंने इसको तवज्जो से करना है। और काम उसी वक्त अच्छा होता है जब इंसान अपनी तवज्जो से और लगन से उनकी खिदमत करे। और जो भी काम हो, इंसान जो भी करे वो लगन और तवज्जो से करे। और जहां इंसान ने ये समझना शुरू कर दिया कि मैं तो कोई नेकी का काम कर रहा हूँ, तो वो नेकी जो है वो नेकी नहीं रहती, वो क्या हो जाती है, दिखावा हो जाती है। मुसनिफ कहते हैं, जब भी कभी मुझे नामदेव का ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं, नेकी क्या है और बड़ा आदमी किसे कहते हैं। हर शख्स में अल्लाह ने या कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत या कोई खूबी रखी होती है। अब इस सलाहियत को जो भी अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक खूबी रखी होती है, कोई एक कमाल रखा होता है, और इस सलाहियत को दर्जाए कमाल तक, दर्जाए कमाल होता है टॉप तक, बहुत ऊंचे तक पहुंचाने में की सारी नेकी और बड़ाई है। दर्जाए कमाल तक ना कभी कोई पहुंचा है और ना ही पहुंच सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश ही में इंसान जो है वो इंसान बनता है। यानी कि इंसान कभी भी, कोई भी शख्स जो है वो हर बुराई से या हर किसी भी खूबी से या किसी कमी में कोई ना कोई होता है, लेकिन वो पूरी तरह पूरा मुकम्मल नहीं होता। लेकिन उस
जगह तक पहुंचने के लिए ना तो कोई पहुंचा है, क्योंकि नबियों के अलावा तो कोई ऐसे नहीं थे जो कोई गलती ना करते हो। इंसान तो इंसान है, कोई ना कोई गलती, कोई बुरा काम, कोई ना कोई कोताही इंसान से हो जाती है। लेकिन उस तक पहुंचने की कोशिश में जब इंसान करता है ना कि मैं इस चीज तक पहुंचूं, इस दर्जे तक पहुंचूं, तो फिर ही वो इंसान बनता है। और ये समझो कुंदन हो जाता है, कुंदन होता है सोना, खालिस सोना हो जाता है हिसाब के दिन। अब हिसाब का दिन है कौन, यौमे हिसाब, जब अल्लाह ताला हिसाब लेंगे, अमाल की जांच पड़ताल होगी, जब हम सबके अमाल का हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होगा। खुदा ये पूछेगा कि मैंने जो इस्तदाद तुझे वदीयत की थी, इस्तदाद होती है जो तुझे ताकत, जो तुझे मैंने ये कमाल दिया था, सलाहियत दी थी, वदीयत की थी, अता की थी, उसे कमाल तक पहुंचाने और उससे काम लेने में तूने क्या किया। यानी कि अल्लाह ताला ये सवाल जरूर पूछेंगे कि तुझ में जो खूबी थी, तेरे में जो सलाहियत थी, तूने इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया। और खलके अल्लाह को, खलके अल्लाह होती है मखलूक को, अल्लाह की मखलूक को तूने क्या फैज पहुंचाया, क्या फायदा पहुंचाया तूने। यानी कि तेरे अंदर कोई खूबी थी, तूने अपनी इस खूबी से मखलूक खुदा को क्या फायदा पहुंचाया। अगर नेकी और बड़ाई का ये मायार है तो नामदेव नेक भी था और बड़ा था। यानी कि अगर नेकी का यही मायार है कि उसने खल्के खुदा को फायदा भी पहुंचाया, तो यही अगर मायार है तो नामदेव के ऊपर ये बात पूरी फिट आती है कि वो नेक भी था और बड़ा भी था। था तो जात का ढेर, जात का निचली जात का था वो, लेकिन अच्छे अच्छे शरीफों से ज्यादा शरीफ था। यानी कि वो है था तो बहुत हल्की जात का, लेकिन बहुत लोगों से नेक और शरीफ था और हर काम करने में माहिर था। ये मुसन्निफ की जो किताब है चंद हम असर, उससे ये लिया गया है सबक, और इसका माखज यानी कि जब हम सबक का लिखेंगे तो वो होगा चंद हम असर। और जब हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में लिखते हैं, किसी की शख्सियत के बारे में कोई मजमून लिखा जाता है, तो उसका सिनफे अदब क्या होती है, खाका निगारी। जैसे कि हमने मिर्जा सईद का पढ़ा था, तो मिर्जा सईद भी एक शख्सियत थे, तो उनके लिए भी जो सिनफे अदब थी वो खाका निगारी है। और इसमें भी जो मुसन्निफ ने लिखा है नामदेव माली के बारे में, तो ये एक शख्सियत के बारे में लिखा है, तो इस शख्सियत के लिए हम इसको कहेंगे ये खाका निगारी है। आगे ये समझ बच्चों, मैं इसका काम आप लोगों को भेजूंगी, इसको भी करेंगे आप लोग, और इसके अल्फाज मायनी जो है वो आप बुक में रीडिंग करते वक्त साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया। कोई अगर आपको मुश्किल लफ्ज लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। दानियाल आपने बेटे कोई मुझे रिस्पांस नहीं किया, और ना ही हारून ने किया। ईसा आपका माइक भी चला कि नहीं? यस मिस, पर नेटवर्क इशू था इसलिए। अच्छा चले, आपको समझ आ गई है सबक की सारे की, तो इसको इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो अब हम कल करेंगे, इसका बुक वर्क कल करेंगे। ये मुसन्निफ जो है मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ ये मजमून है, और इसको दानियाल आप नहीं बेटे कोई कैमरा ऑन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि आपको कुछ समझ आई है या नहीं आई। एक तो आप क्लासेस भी बहुत कम लेते हो, और दूसरा क्लास में अटेंटिव नहीं है आप। दानियाल माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं, काफी दिनों से नहीं आप अटेंड कर रहे क्लास। दानियाल लगता है आप लोग माइक ऑन करके खुद चले जाते हैं इधर से, अभी मैं जाहिर हूँ बैठा हुआ हूँ। इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत जो है, मेहनत करने से इंसान की शान में या उसकी बात में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे इज्जत बढ़ती है। और इंसान का है जो वो हर काम जो है अगर दिल जमी से, शौक से, मोहब्बत से किया जाए तो वो दिलचस्प काम अच्छा रहता है और सबके लिए बेहतरीन होता है। और अजमत इसी चीज में है और बड़ाई इसी चीज में है कि किसी चीज को हम अपने आप को अपने किसी दूसरे से बरतर ना समझें, हम अपने आप को किसी से ये ना समझे कि वो निचली जात का है। ये इस सबक के हवाले से हमें मालूम होता है कि किसी को
निचले जात का या किसी को अपने से हकीर तर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर एक शख्स के काम की लगन की वजह से, काम की वजह से इंसान की इज्जत जो है वो बढ़ती है। और इस सबक में भी मुसन्निफ ने हमें बेशक एक माली के बारे में बताया, लेकिन उसके काम की वजह से, उसकी लगन की वजह से एक जो थी वो उसकी मेहनत और अजमत का एहसास होता है कि माली जो था वो कैसे खूबसूरती के साथ अपने काम के साथ मगन रहता था, और उसी उसी मगन होने की वजह से काम में उसने अपनी जान दे दी थी। इल्सा आप जरा इसको पढ़ें, इसका जो मतन को मद्देनजर रखकर जवाब पर टिक का निशान लगाएं, इस पहले वाला को पढ़ें। सबक नामदेव माली किस किताब से लिया गया है? अभी बताया ना आप, चंद हम असर। जी, ये ऊपर लिखा हुआ है चंद हम असर, ये उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट पढ़ो। मकबरा राबा दौरानी कहाँ वाके है? औरंगाबाद में। जी, औरंगाबाद में, ये ऑप्शन है इसकी दुरुस्त, औरंगाबाद में वाकया है। नेक्स्ट। बाग के दरोगा कौन थे? अब्दुल रहमान फैंसी। अब्दुल रहीम फैंसी, बाग के दरोगा जो थे वो थे अब्दुल रहीम फैंसी। फातिमा आगे पढ़े आप। नामदेव बड़ी तनही से अपने काम में मसरूफ और मगन रहता था, इसकी वजह अपने काम से मोहब्बत। शाबाश, इसकी वजह थी अपने काम से मोहब्बत। नेक्स्ट पढ़े फातिमा। मुसन्निफ ने किस चीज को बेकार कहा है? बेमजा काम। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट। मुसन्निफ ने इंसान की फितरी कमजोरी की बिना पर उसे कहा है निकम्मा और कामचोर। नहीं, काहिल और कामचोर। इसका आएगा काहिल और कामचोर होगा। नेक्स्ट पढ़े आप। गदला पानी पौधों के लिए क्या पौधों के लिए था? आबे हयात। जी, आबे हयात था। नेक्स्ट। दर्जे कमाल तक पहुंचने के लिए जरूरी है सलाहियत। ये जो फितरतन हुआ है कामचोरी, पेज 81 पे सफे पे है, ये 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ में है, जहां बाग के दारोगा फैंसी अब्दुल रहीम थे उसी में लिखा हुआ है। आम तौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर वाक्या हुआ है, ये फिर इसकी ऑप्शन आएगी काम काहिल और कामचोर। नेक्स्ट पढ़े आप। डॉक्टर सराजुल हसन की एक खूबी ये थी कि वो मर्दम शनास थे। दर्जे कमाल तक पहुंचने के लिए जरूरी है, ये ऊपर वाली ऑप्शन रह गई है, इसमें क्या आएगा सलाहियत। दर्जे कमाल तक पहुंचने के लिए जरूरी है